हेलो एवरीवन बेटा, अगर आवाज़ आ रही हो तो कमेंट कर दो। बेटा जो लोग भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा है, प्लीज़ बेटा कमेंट कर दें और सभी के साथ ये लाइव स्ट्रीम आप शेयर कर लें। शेयर कर दें सबके साथ लाइव स्ट्रीम। स्टार्ट करेंगे जल्दी ही कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ का पार्ट 6, कंप्यूटर हार्डवेयर। हेलो बेटा, सब लोग आ गए क्या? किसी को वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो बेटा, थोड़ा कमेंट करके बता दे, सब लोग आ गए तो हम स्टार्ट करें इस लेक्चर को। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। जी रेशी अब्बास, हाय। तो रेशी आ चुकी हैं, ट्रेंडिंग हिंदी न्यूज़ आ चुके हैं। बेटा लाइव सेशन चल रहा है और एक ही मोबाइल है, तो वो मोबाइल जो मैंने ऊपर इस टेबल पे ऊपर मोबाइल लगा दिया है, तो अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा। आप जो है इस पूरे लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखें। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 6। बेटा पार्ट 5 तक चैनल पे अपलोड है, यदि आपने नहीं देखा तो 1 से लेके 5 तक के पार्ट पहले आप देख लें। वो जो 5 डिटेल मैंने बताया है, मात्र वो 5 पार्ट आप यदि कर भी लेते हो तो कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता चल जाएगी। आज का जो लेक्चर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है, और कई लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर IT से पास आउट होते हैं, और जब घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिश्तेदार जो है उनको कंप्यूटर पकड़ा देते हैं कि बेटा ये देख यार, ये बंद हो गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको खोल के चेक कर ले। तो वो ये चीज़ नहीं समझते कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक हार्डवेयर सुधारने वाला कंप्यूटर को दोनों एक अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो बेटा कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ये कुछ डेफिनेशन है, और मैं हमेशा इन डेफिनेशन पे नहीं जाता। जो रियली हम इन चीज़ों से सीखते हैं, क्या समझते हैं, वो जानते हैं। तो देखो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो और सीन कर सकते हो। टच मतलब जिनको आप छू सकते हो और पकड़ सकते हो, वो सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के, उनको आप क्या बोलोगे, कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, ठीक है, मॉनिटर को आप टच कर सकते हो, CPU को आप टच कर सकते हो, और हार्ड डिस्क को भी आप टच कर सकते हो। तो ये जो 4 एग्जाम्पल लिए, ये सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, CPU एक स्टोरेज डिवाइस है, और हार्ड डिस्क CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के। तो जल्दी से देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बेटा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो एक इनपुट डिवाइसेस। बेटा इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को डाटा इन करती हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस
स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो बेटा इनपुट डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। ये सारे के सारे बेटा क्या है, इनपुट डिवाइसेस। और सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं। ये यूज़र के डेटा को चेंज करती हैं बाइनरी लैंग्वेज में, या फिर वो बोलूँ क्योंकि यूज़र, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बेटा डिजिटल, या फिर मैं बोलूँ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है या मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इनपुट डिवाइस यूज़र के डेटा को लेती हैं और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ। तो देखो, सारी इनपुट डिवाइसेस, सारी आउटपुट डिवाइसेस, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, स्पीकर हो, हेडफोन हो, प्रोजेक्टर हो, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज या फिर मैं बोलूँ मेन मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम आती हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क आती है, सीडी आती है, पेन ड्राइव आती है, सारी के सारी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में कुछ एक एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो भी डेटा आप इन करते हो कंप्यूटर को, उनको प्रोसेस करे, उस डेटा को प्रोसेस करे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के नाम में ही प्रोसेसिंग आता है। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, और SMPS ये भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। ये सारी डिटेलिंग जो है वो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की है। अब हम एक एक करके कुछ हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या क्या की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो बेटा जो जो स्ट्रीम को देख रहा है हाय हेलो कर दो एक बार, पता चल जाए कौन कौन स्ट्रीम को देख रहा है। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें। बेटा कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा पार्ट कम्प्लीट करा दूँ, ठीक है थोड़ा सा। तो देखो बेटा, अब हम देखते हैं कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से लिख ली है, कुछ जानकारी मैं अपने हिसाब से आपको दूंगा, ठीक है। तो बेटा कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि भैया जो भी आप की प्रेस करते हो कीबोर्ड में, ये कीबोर्ड है और ये आपका कंप्यूटर है, तो जो भी की आप कीबोर्ड में प्रेस करते हो वो की प्रेस होके जो भी डेटा है वो इनसाइड द कंप्यूटर जाता है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है। और बेटा इसको मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमन क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की कुछ कीज़ की। तो भैया कीबोर्ड में आपने देखा होगा बहुत सारी कुछ कीज़ होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो भैया पहली की है अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की। तो देखो टोटल इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट की क्या होती है, ए से लेके जेड तक की को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। और ये कितनी होती हैं, 26। तो अगर कोई आपसे पूछे बेटा अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 26। फिर सेकंड की होती है न्यूमेरिक कीज़। बेटा न्यूमेरिक कीज़ को आप नंबर की भी बोल सकते हो। न्यूमेरिक की जो होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है। ये टोटल कितनी होंगी, 10 कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ 26, न्यूमेरिक कीज़ 10, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, अल्फ़ा का मतलब होता है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, मतलब कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर। तो बेटा अल्फ़ाबेट होते हैं 26, और नंबर, बेटा नंबर कीज कितनी होती हैं, 10। तो 26 प्लस 10, 36 कीज़। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कितनी होती है कीबोर्ड में, तो आपका आंसर क्या होगा, 36। अब बात करते हैं बेटा फंक्शन की। यहाँ पर किसी ने मेरे को कमेंट किया लाइव स्ट्रीम में, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बेटा फंक्शन की। 12, वेरी गुड। रेशी अब्बास वीडियो स्ट्रीम देख रही हैं और आंसर भी दे रही है। बेटा ऐसे ही आंसर देना है और समझते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं हम फंक्शन की, बड़ी इंपॉर्टेंट है फंक्शन की।
बेटा फंक्शन की कीबोर्ड्स में टोटल 12 कीज़ होती हैं। फंक्शन की कितनी होती है बेटा? 12। तो कोई पूछे बेटा फंक्शन की कितनी होती है, टोटल फंक्शन की होती है 12। और कौन कौन सी होती है? F1 से लेके F12 तक। तो आप एक बार सबके पास, जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे कीबोर्ड को देखे, ये मतलब ये कीबोर्ड के बारे में समझने के बाद जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते बेटा, ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों का। सिर्फ ऐसे रटक के आप आगे कुछ कर नहीं सकते कुछ बड़ा। यदि आपको कुछ अच्छा करना है तो आप ऑब्जर्वेशन बनाइए। यदि आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में जानना जरूरी। तो आप एक बार कीबोर्ड देके जाके, तो कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की इतनी तो बेटा 12, F1 से लेके F12 तक, इनको हम बोलते हैं फंक्शन की। और फंक्शन की को ही हम स्पेशल कीज़ भी बोलते हैं। कई एग्ज़ाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है कि फंक्शन कीज़ को, फंक्शन की इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशल की, नॉर्मल की, कॉमन की एंड नन। तो हमारा आंसर क्या होगा? फंक्शन की को हम स्पेशल कीज़ बोलते हैं। अब फंक्शन की इसके कुछ यूज़ हैं। जैसे ही आप F1 दबा दोगे कीबोर्ड में, तो बेटा F1 का मतलब होता है हेल्प। F1 का मतलब क्या होता है? हेल्प और ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट भी क्या क्या काम होता है? मदद करना। तो F1 जो है वो हेल्प और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए यूज़ होती है। इसके बाद बेटा एक की होती है F2 की। F2 की दबाने पर आप रीनेम द सिलेक्टेड फाइल, जो भी आप फाइल यूज़, जो भी फाइल पे आप क्लिक करोगे, उस फाइल के नाम को यदि आप रीनेम करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आप F2 की हेल्प से कर सकते हो। F3 की फाइंड एंड रिसर्च, यदि आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो आप F3 का यूज़ कर सकते हो। F4 की रिपीट द लास्ट एक्शन, जो भी आपने पुराना एक्शन किया होगा उस एक्शन को रिपीट करती है। F5 की, ये की आपने काफ़ी बार यूज़ की होगी, F5 की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। F5 की रिफ्रेश रिलोड द वेब पेज, देखो कोई भी वेब पेज पे जब आप होते हो तो उसको यदि आप रिलोड करना चाहते हो या रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप F5 की का यूज़ करते हो। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। बेटा F6 की, F6 थोड़ा ये क्विकली, क्योंकि बेटा ये आप याद ही कर लोगे। ये जो भी आपको नोट्स में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स में आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसके थ्रू आप ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, F6 की मूव द कर्सर इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र। कर्सर को यदि आपको एड्रेस बार, क्योंकि जब भी आप मान लो कोई ब्राउज़र खोल रहे हो तो उस ब्राउज़र में एक URL वाला बॉक्स होता है, ठीक है, जहां पर आप भी कोई भी सर्च, कोई भी साइट को सर्च करते हो तो एक ये बॉक्स होता है URL वाला। तो आप यदि URL बॉक्स पे कर्सर को ले जाना चाहते हो तो आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी बेटा? F6 की। F7 चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। तो कोई भी टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे हो, तो उस टेक्स्ट में जो भी आपको स्पेलिंग चेक करनी है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर एरर को चेक करने के लिए आप F7 की यूज़ करते हो। F8 की होती है सेप मोड की, ठीक है। F9 इंक्रीज द वॉल्यूम, यदि आप किसी भी प्लेयर का, जो भी आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, या फिर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो वॉल्यूम, तो आप कौन सी की यूज़ करोगे? F7, F9 की, ठीक है। F10 की एक्टिव द मेनू ऑफ द एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का मेनू को एक्टिव करने के लिए आप F10 की का यूज़ करते हैं। F11 की फुल स्क्रीन क्रिएट चार्ट इन द एक्सेल, तो भैया फुल स्क्रीन करना चाहते हो किसी एप्लीकेशन का तो F11 की आप यूज़ कर सकते हो। F12 की सेव एस, F12 की क्या होती है बेटा? सेव एस, ठीक है, क्या होती है? सेव एस। वेरी गुड रेशी, लगातार आंसर दे रही है। URL मैंने एक यूज़ किया था अभी वर्ड। URL का बेटा फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। वेरी गुड रेशी, वेरी गुड, ऐसी तरीके से आपको जवाब देने हैं, ठीक है। तो रेशी का जवाब था, ठीक है बेटा। अब अगली जो की है उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज। बेटा मॉडिफायर कीज क्या होती है? मॉडिफायर की इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ इंक्लूडिंग अल्टर कंट्रोल शिफ्ट एंड विंडो की। तो बेटा मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं? अल्टर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि हम कोई विंडो की यूज़ करें,
अल्टर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यदि हम कोई विंडो की प्रेस करें तो इस की के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़। तो देखो कुछ कीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए, तो बेटा ये एक मॉडिफायर की है। कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अकेला अगर आप अल्टर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बेटा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बट इन कीज़ को विंडोज़ की के साथ यदि आप यूज़ करते हो, विंडोज़ की मतलब इनके अलावा वाली की, कंट्रोल अल्टर एंड शिफ्ट के अलावा वाली की, तो कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म होते हैं। जैसे कि कंट्रोल प्लस एल मॉडिफायर की कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के साथ यदि कोई दूसरी विंडो की आप प्रेस करोगे तो कुछ स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। जैसे कंट्रोल प्लस एल ये सिलेक्ट ऑल के लिए होती है, अल्टर प्लस F4 क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए होती है, शिफ्ट प्लस F3 चेंज द केस, कंट्रोल प्लस S काफ़ी यूज़ किया है यदि किसी फाइल को आप सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस S दबाते हो, कंट्रोल प्लस C कॉपी ऑफ फाइल कॉपी करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस P किसी डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करना चाहते हो आप तो कंट्रोल प्लस पी दबाते हो, ऐसे ही कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए यूज़ होती है। तो कुछ की कॉमन कीज़ जो हमने यूज़ करी हैं, तो जब भी हम कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के साथ कोई विंडो की को दबाते हैं बेटा तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर की। अब बेटा देखते हैं टॉगल की क्या है। तो बेटा टॉगल की क्या है, टॉगल की इज़ अ स्विच बिटवीन टू फंक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ बेटा ये वो कीज़ हैं जो, जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से समझूँ, स्विच तो मैंने बोल दिया, इनको स्विचिंग की भी बोलते हैं, स्विच की भी आप बोल सकते हैं, ये ऑन और ऑफ की तरह वर्क करती हैं। ऑन ऑफ की तरह वर्क करती हैं का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखें तो कंप्यूटर में एक की होती है कैप्स लॉक, क्या होती है बेटा कैप्स लॉक, बेटा जब ये की प्रेस नहीं होती मतलब ऑफ ऑफ रहती है, क्या रहती है ऑफ रहती है, तो जब भी आप कोई भी अल्फाबेट प्रेस करते हो, जैसे आप ए प्रेस करते हो तो वो ए स्मॉल लेटर में आता है, बी प्रेस करते हो तो स्मॉल लेटर में आता है, और जैसे ही आप कैप्स लॉक को दबा देते हो तो ये ऑन हो जाती है, और फिर जब आप लेटर्स को टाइप करते हो तो जो ए प्रेस करते हो वो कैपिटल में लिखा आता है, कैपिटल में बी लिखा आता है। तो ये कीज़ जो होती हैं स्विच की तरह काम करती है, मतलब इन कीज़ के दो फंक्शन होते हैं, स्मॉल लेटर में तब लिखा जाता है जब कैप्स लॉक ऑफ होता है, और कैपिटल लेटर में तब लिखा जाता है जब कैप्स लॉक ऑन होता है। तो इन कीज़ को हम बोलते हैं बेटा ये स्विचिंग कीज़ भी हैं और इनके दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं टॉगल की। अब टॉगल की एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट की। तो नम लॉक बेटा इधर जो लेफ्ट आपका राइट में जो न्यूमेरिक नंबर्स जो आपके लिखे रहते हैं जब इनको प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप ये नंबर ले सकते हो। और थोड़ा मैं कमेंट पढ़ लूँ बेटा बीच बीच में, थोड़ा पता चलता रहे कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे साथ जो है ज्योति प्रकाश नायक, ज्योति प्रकाश नायक बोल रहे हैं सर एसओ 2020, सर एसओ, एक मिनट बेटा, सर एसओ 2020 के सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाइए। बेटा ज्योति प्रकाश नायक बिल्कुल बच्चा वीडियो बनाएंगे, जल्दी ही वीडियो आएगी, ठीक है। बेटा आप अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में इतनी कंजूस क्यों कर रहे हो बच्चों, लाइक करो ना यार बेटा, लाइक करो और शेयर करो सभी के साथ स्ट्रीम को, इसी तरीके से लाइव भी कर पाएंगे बेटा, समय की थोड़ी सी कमी होने के कारण लाइव स्ट्रीम ही कर पाऊंगा मैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जल्दी से बच्चा लाइक कर दो। और जो जो ऑनलाइन है बेटा, जो जो वीडियो देख रहा है कमेंट भी करो बच्चों, कमेंट करो, ठीक है बच्चा। पार्टी आगे चलते हैं नेविगेशन की पर। ओहो नेविगेशन की मजा जाएगा बच्चा, नेविगेशन की को ही, नेविगेशन की देख रहा है बच्चा, नेविगेशन की को कर्सर की भी बोलते हैं, नेविगेशन की यूज्ड टू मूव, नेविगेशन की यूज्ड टू मूव द कर्सर पॉइंटर अराउंड ऑन द स्क्रीन। तो बेटा नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं, तो ये कर्सर जो देखो, जैसे देखो आप कर्सर देखते हो इस तरीके का कुछ मॉनिटर पर, तो इस कर्सर को मूव कराने के लिए,
इस कर्सर को मूव कराने के लिए इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कीज़ यूज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं नेविगेशन की। तो कर्सर को मूव कराने के लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं उनको नेविगेशन की बोलते हैं बच्चा। और एग्जांपल जो है ना बेटा, आपने कीबोर्ड देखा है तो एग्जांपल में ये जो राइट में एक एरो की होती है इस तरीके की, जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हो तो ऊपर का अगर बटन दबाते हो तो ऊपर मूव करती है ये कर्सर, जब आप लेफ़्ट में बटन दबाते हो तो लेफ़्ट मूव करता है कर्सर, जब आप राइट का बटन दबाते हो तो राइट मूव करता है कर्सर, नीचे का दबाते हो तो नीचे मूव करता है। तो नेविगेशन की जो होती है बेटा एरोस की, पेज अप की, पेज अप मतलब जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में होते हो और पेज अप दबा देते हो तो जो डॉक्यूमेंट के टॉप पर ले जाता है, उस पेज के टॉप पर कर्सर ले जाती है ये की, ठीक है। पेज डाउन में सेम, जो जिस भी डॉक्यूमेंट में आप हो उसके सबसे नीचे वाले पेज पर आपको पेज डाउन की ले जाती है, होम की, एंड की एंड टेप की, ये सारी के सारी जो होती हैं बच्चा नेविगेशन की होती हैं। तो आपको जानना है कुछ इतना ज़्यादा, इतनी जो तो खास इन डिटेलिंग नहीं है बेटा इनके बारे में, आपको डायरेक्टली याद करना नेविगेशन की कर्सर कीज होती हैं और कौन कौन किसी कीज़ नेविगेशन कीज़ के एग्जांपल हैं, तो एरो की, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड टेप कीज़, इन सबको हम नेविगेशन की बोलते हैं। एक और कमेंट आया, एक और कमेंट देखते हैं, फिर अगली जो है इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। अगली जो इनपुट डिवाइस है बच्चा माउस है। तो जो बच्चे भी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो कृपया इस वीडियो से जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। एक और कमेंट आया, हम देखते हैं कमेंट इसका है, पढ़ लेते हैं बच्चा। कमेंट है रेशी अब्बास का, रेशी अब्बास बोल रही सॉफ्टवेयर एंड वायरस एंड एंटीवायरस टॉपिक। बेटा बिल्कुल सॉफ्टवेयर, वायरस, एंटीवायरस टॉपिक भी इस सीरीज़ में आएगा जल्दी से। इतना मतलब मेरे को इन चीज़ों के बारे में अभी इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि ये सीधी सीधी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पर जिनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, बट फिर भी बेटा एक बार डिटेलिंग करना ज़रूरी है क्योंकि मैं मेन मेन चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा रेशी अभ्यास, बिल्कुल पढ़ाऊँगा आपके लिए जो भी आप रहे हो। एक बार सभी लोग कमेंट कर दे बच्चा पार्टी, जो जो देख रहा है वीडियो उसको प्लीज़ कमेंट कर, प्लीज़ कमेंट कर दें जल्दी से बच्चा। सभी को अच्छे से आवाज़ आ रही है मेरी, कमेंट कर दे बच्चा। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चा माउस के बारे में देखते हैं बच्चों। देखो माउस बेटा, ये जितनी माउस जल्दी से बताओ, माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जाग रहे हो तो कमेंट करके बताओ माउस कौन सी डिवाइस होती है बताओ, और माउस के बारे में तुम क्या क्या जानते हो ये बताओ। जल्दी कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो बेटा, 2 सेकंड है आपके पास, कमेंट करो। वेरी गुड, माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रेसी, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। बेटा अधिकतर लोगों को पता होता है कि माउस के बारे में, अब मैं थोड़ा सा बताना चालू करता हूँ माउस के बारे में। तो बेटा देखो, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये दो चीज़ें सबको पता होती हैं और उन सबको पता होती हैं जो दूसरे चैनल्स को भी देखते हैं और दूसरे लोगों से सीखे होते हैं, बट किसी को यह पता नहीं होता कि माउस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे इंक्लूड कर दिया आपने, तो बेटा यार इससे पहले वाले जो वीडियोज आप देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि जो माउस होता है ना बेटा, माउस एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी होती हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चों, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं, ठीक है। तो माउस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस होती है बच्चा, पॉइंटिंग डिवाइस होती है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये किस सिद्धांत पे वर्क करती है, ड्रैग एंड ड्रॉप के सिद्धांत पे। कई एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि माउस जो हो माउस का पर्पस क्या है, यूज़ किस लिए होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज़ होती है। कई फाइल्स जो होती हैं आपने देखा होगा, उनको पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह अगर मेरे को पुट करना, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पकड़ा और इसको इधर रख दिया, इसको बोलते हैं ड्रैग करके ड्रॉप करना। तो ड्रैग करके ड्रॉप करने के लिए जो यूज़ होती है डिवाइस, उसको हम बोलते हैं माउस।
माउस इन्वेंटेड बाय डगलस इगलवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड माउस, तो आंसर क्या होगा, डगलस इगलवर्ट। देयर आर 3 बटन यूज इन द माउस, तो बेटा सभी ने देखा होगा माउस में 3 बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं बच्चा माउस में, 3 बटन, एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक होता है राइट बटन और तीसरा होता है स्क्रोल बटन। तो बेटा लेफ्ट बटन अधिकतर प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी भी फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है तो अगर आप किसी फाइल पे जाकर लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन उस पर अप्लाई करना चाहते हो आप, प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हो वो लेफ़्ट बटन का काम होता है। राइट बटन सेलेक्ट का काम करता है और स्क्रोल कर्सर के मूवमेंट को स्क्रोल करता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें, इतनी डिटेलिंग नहीं करते बट सिंपल सा आपसे पूछ लिया जाता है माउस में कितने बटन होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, ठीक है। एक बार देखते हैं किस किस ने कमेंट करके क्या क्या बोला था माउस के बारे में। और तो ऋषि जो है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और हमारे साथ बसंती, बसंती बच्चा बहुत अच्छा, बसंती बच्चा ने बोला है कि भैया जो माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, और ऋषि भी लगातार जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों यार जल्दी से तुम लोग यार इतनी मतलब लाइक करने में तुम लोग ऐसा कर रहे हो, लाइक करो बच्चा, जल्दी जल्दी लाइक करो स्ट्रीम को, लाइक करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं स्ट्रीम को, तो कंटिन्यू करने में मज़ा आता है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है इसको देखने में, क्योंकि बेटा याद रखना कि मैं जो बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ या फिर जो भी पढ़ाता हूँ वो जेन्युइनली पढ़ाता हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि भैया पागल बना दूँ मैं तुम्हें, ठीक है, तो जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। तो यार प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, जल्दी से बता दो, सब लोग जाग रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं अगली डिवाइस पे, ठीक है, तो अगली डिवाइस पे बढ़ते बच्चा, बच्चा अगली डिवाइस जो है वो हमारी है स्कैनर। अगली डिवाइस क्या है बच्चा, स्कैनर। तो थोड़ा सा छुपा रहा हूँ मैं स्कैनर को, तो बच्चा मैंने थोड़ा सा छुपा लिया स्कैनर के बारे में। अब जो जो ऑनलाइन है सब लोग बताए स्कैनर क्या है, ठीक है बच्चा बताओ स्कैनर क्या है। स्क्रोल बटन पेज अप डाउन, वेरी गुड, स्क्रोल बटन पेज अप डाउन, बेटा हाँ मतलब अगर आप किसी पेज पर हैं या फिर किसी स्लाइड्स पर हैं या बहुत सारे पेज हैं तो स्क्रोल को पेज अप और पेज डाउन के लिए यूज़ करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं बेटा स्कैनर, तो बेटा स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या करती है बेटा, जैसे कि अगर कोई मेरे पास ये जो भी ये मान लो लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है और इसको मैं यदि स्कैन करता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने ये लिखा है ना बेटा, तो इस लिखे हुए को मैं बोलता हूँ ये लिखा हुआ जो वो हार्ड कॉपी है, ये जो मैंने पेज पर लिखा है ये क्या है, एक हार्ड कॉपी है। और स्कैनर क्या करेगा, इस हार्ड कॉपी को स्कैन करेगा इनटू सॉफ्ट कॉपी, मतलब इसको स्कैन करके कंप्यूटर में रखना, इसको स्कैन करके, इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में एक फाइल क्रिएट करना, उस फाइल को हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं बेटा, सॉफ्ट कॉपी। कुछ लिखा है ऋषि ने, देखते हैं क्या लिखा है इनने बच्चा ने, स्कैनर इनपुट डिवाइस, स्कैनर वेरी गुड, इनपुट डिवाइस, बच्चा बिल्कुल राइट, ऋषि बोल रही हैं कि स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस, वेरी गुड बेटा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करती है। मींस यदि मैं इसको स्कैन कर दूँ ना बेटा, इसको स्कैन कर दूँ तो ये स्कैन होने के बाद कंप्यूटर में एक इमेज बनेगी इसकी, उस वो जो इमेज बाय डिफॉल्ट होती है बेटा उसका फॉर्मेट होता है जेपीजी फॉर्मेट। क्या होता है बेटा, जेपीजी फॉर्मेट। तो लेट सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया a.jpg में, तो भैया जो ये जो फाइल है कंप्यूटर में, इस फाइल को हम बोलते हैं बेटा सॉफ्ट कॉपी। तो काफ़ी बार पूछा जाता है हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी ये जो मैंने लिखी हुई है ये हार्ड कॉपी है, और इसी को स्कैन करके यदि मैं कंप्यूटर में सेव कर दूँ तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी को टच कर सकते हो बेटा, सॉफ्ट कॉपी को टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चीज़ आप टच कर सकते हो उसको हार्डवेयर बोलते हो, और जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते ना बच्चा उसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। तो हार्ड कॉपी को टच कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को टच नहीं कर सकते। अब देखते हैं बच्चा टाइप्स, अभी तो बात कर ली स्कैनर की, तो बेटा स्कैनर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है OCR, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको याद है तो आप फुल फॉर्म नीचे लिख सकते हो। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन,
BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, ठीक है, क्या होता है बार कोड रीडर, और बार कोड रीडर को ही हम POS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बार कोड रीडर को भी POS, पॉइंट ऑफ सेल, तो बार कोड रीडर को हम पॉइंट ऑफ सेल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सबके जल्दी से यूज़ देखते हैं, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो होता है वो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। और OMR जो होता है वो आपने काफ़ी इस तरीके से देखा होगा कि कभी जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो एक OMR सीट मिलती है जिसमें चार ऑप्शन रहते हैं हर एक क्वेश्चन के, और किसी एक को आप फिल कर देते हो। तो इस तरीके के ऑप्शंस को रीड करने के लिए जो हमारे पास स्कैनर होता है उस स्कैनर का नाम होता है OMR स्कैनर। और कई तरीके के जैसे प्रोडक्ट आप लेने जाते हो या फिर आपने पेटीएम देखा होगा, फ़ोनपे देखा होगा, उन पर बार कोड रहता है। क्या होता है? बार कोड रहता है। तो उस बार कोड को रीड करने के लिए एक रीडर होता है जिसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, BCR रीडर, और इसी को हम POS भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MICR काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और MICR, ये जो बच्चा ये यूज़ होता है हमारा बैंक्स में। किसमें यूज़ होता है बेटा? बैंक्स में। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड रेशी, वेरी गुड। किसमें यूज़ होता है बेटा? बैंक्स में यूज़ होता है। और इसके अलावा कोई बोलेगा बैंक्स में ये जो है तो MICR, ये चेक्स जो होते हैं हमारे पास, इन चेक्स में एक मैग्नेटिक इंक के द्वारा यहाँ पे एक कोड होता है, इस तरीके की लाइन बनी रहती है, उस लाइन्स को मैग्नेटिक इंक को रीड करता है MICR। और बेटा कोई को अगर पता हो MICR कोड, MICR कोड कितने डिजिट का होता है, जिसको पता हो जल्दी से बताएं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड है। MICR कोड कितने डिजिट का होता है, फिर इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, इधर बुक उठा के लाऊंगा, ठीक है। कैमरा सीधा करो बच्चा, बच्चा हाफ ई बंसल बेटा, आप इसको इसको जो है ना, मतलब आप बड़ा कर लें, आप अपने आप सीधा सीधा देख रहे होगे इसलिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे ना राइट बॉटम में, तो राइट बॉटम में आप इसको बड़ा कर लें फिर देखें, ठीक है, बड़ा कर लें फिर देखें बच्चा, ठीक है। तो MICR कोड के बारे में मैंने आपसे पूछा कि MICR कोड कितने डिजिट का होता है, ठीक है, और फिर बात करते हैं इसीलिए। MICR कोड की बात चल रही है बेटा, MICR कोड कितने डिजिट का होता है जल्दी से बताओ। बताओ बच्चा MICR कोड कितने डिजिट का होता है? चौदह सिंबल्स। कोड जो है बच्चा, ये जो कोड होता है MICR कोड इज़ ऑफ 9 डिजिट्स। कितनी डिजिट का होता है बेटा? 9 डिजिट्स का, ठीक है। इन 9 डिजिट्स में बच्चा पहली 3 डिजिट, लेट सपोज कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया 785 एंड 576 एंड 350। तो बच्चा ये जो है MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड जो होता है वो बैंक में यूज़ होता है। बैंक्स में एक मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए बार कोड को ये रीड करता है, और ये जो कोड होता है वो 9 डिजिट का कोड होता है। इन 9 डिजिट में पहली 3 डिजिट, मिड की 3 डिजिट और आखिरी 3 डिजिट कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। तो पहली जो 3 डिजिट होती हैं बच्चा, ये सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर अगली जो 3 डिजिट होती हैं बच्चा, ये रिप्रेजेंट करती है बैंक कोड को, और अगली जो 3 डिजिट होती हैं बच्चा, ये रिप्रेजेंट करती है ब्रांच कोड को। तो टोटल जैसे अगर मैं बात करूँ, ये 3 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिटी को, लेट सपोज वो सिटी है दिल्ली। फिर अगली जो 3 डिजिट हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैंक कोड को, तो लेट सपोज वो बैंक है SBI। और अगली जो 3 डिजिट है रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्रांच को, तो लेट सपोज कोई एरिया हो गुलाबगंज दिल्ली में,
जिनको ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो कितने डिजिट का होता है बच्चा, 9 डिजिट का। तो अभी जो हमने देखा वो इनके बारे में देखा। अब एक और जो स्कैनर है वो होता है जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है बच्चा? तो देखो यार, ये जो है हम काफ़ी एग्जामिनेशन देने जाते हैं जहाँ पर हमारे थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। तो बायोमेट्रिक क्या, बायोमेट्रिक का मतलब होता है इनको फिजिकल इनपुट बोलते हैं जो कि हमारे हाथों के थ्रू लिया जाता है, आँखों के थ्रू लिया जाता है, या फिर कोई भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेसियल एक्सप्रेशन के थ्रू लिया जाता हो। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन स्कैनर्स जो होते हैं वो छोटी सी एक डिवाइस आपने देखी होगी जिसमें आप थंब इम्प्रेशन यूज़ करते हो, या फिर कई लोग रेटिना आईज़ के रेटिना के थ्रू बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई करते हैं। फेसियल एक्सप्रेशन कंप्यूटर जो होता है ना, कभी कभार फेशियल लॉक यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल में फेशियल लॉक यूज़ करते हो, तो मोबाइल फेशियल लॉक यूज़ करते हो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब एक और देखते हैं, एक आखिरी टॉपिक QR कोड। QR कोड बच्चा, QR कोड क्या होता है? QR कोड का सबसे पहले फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। QR कोड को बोलते हैं Quick Response Code। क्विक रेस्पॉन्स कोड इज़ अ टाइप ऑफ बार कोड। इसी को क्या बोलते हैं, ये भी एक बार कोड का टाइप है। दैट कंटेंस अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। तो भैया बार कोड आपने देखा होगा, QR कोड इस तरीके से बार कोड आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो उस बार कोड को क्विक रेस्पॉन्स कोड इज़ अ टाइप ऑफ बार कोड दैट कंटेन अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, जिसमें मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स होती हैं, रीड बाई यूजिंग स्मार्टफोन कैमरा। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप जेंडर की बात करो तो जेंडर में आप फाइल्स को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजने के लिए यूज़ करते हो। तो एक फ़ोन जब सेंड करता है तो दूसरा फ़ोन रिसीव कर सकता है बाई यूजिंग स्कैनिंग दिस कोड।